हाँ जी नमस्कार सर, भाई ग्रोवर, मैं पहली बार आपका ये देख रहा हूँ आज। मैंने कोर्स लिया है, 25% मैंने अभी कवर किया है। ओके सर, बट आई एम ऑलरेडी इन एस्ट्रोलॉजी। ओके सर, लास्ट 30 ईयर। ओके, एक्सेलेंट टिप्स, आई गॉट इट, थैंक यू, एंड आई डेली अप्लाइड ऑन मेनी ऑफ द हॉरोस्कोप्स। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं आपका, आप आपके 30 इयर्स के एक्सपीरियंस अगर बोल रहे हैं कि कुछ है चार्ट के अंदर, तो सही में मेरे को लगता है कि शायद कुछ होगा, क्योंकि जब डेफिनेटली डेफिनेटली मैं जो आप कालपुरुष हॉरोस्कोप को करते फॉलो, मैं शुरू से ही यही फॉलो करता आया हूं। बहुत अच्छा सर। मैं हमेशा आई एम टीचिंग एस्ट्रोलॉजी, आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द आईकास। ओके, तो मैंने हमेशा स्टूडेंट को विदाउट प्लैनेट्स डीकोडिंग करना सिखाया। बहुत अच्छा सर। डीकोडिंग कैसे करना है, क्या करना है, और आपके मदद से बहुत अच्छे टिप्स मुझे मिल रहे हैं। धन्यवाद। रियली आई थिंक आई विल गो फॉर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे को ख्याल से जब आप 30 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं ना सर, तो आपके लिए वो चीजें समझना, बैक पैटर्न समझना आसान है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वेरी इजीली सर, वेरी इजीली, है ना? बिकॉज जो एक नया स्टूडेंट पिकअप करेगा, हो सकता है वो 10 टेक्निक निकाले एक लेक्चर में से। डेफिनेटली आप 50 निकाल सकते हैं उसमें से। मैं आपकी एक एक एसेट को कम से कम 4 बार सुनता हूँ, उसमें से जो चीज लगती है कि हाँ ये चीज मैंने अप्लाई नहीं करी, तो वो मैं अप्लाई करके देखता हूँ। मेरा खुद का कैंसर लगाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणाम। मैं आपका वीडियो बहुत बार देखा, जो आप यूट्यूब में यू नो द थिंग दैट यू पोस्ट ऑन यूट्यूब, सो आई हैव सब्सक्राइब्ड यू, हैव फॉलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन आई फेल्ट लाइक आई फाइनली हैव गॉट समवन हु आई कैन ट्रूली फॉलो। तो आपका जो है ड्यू टू ऑफिस का जो चक्कर है मेरा, उसके लिए मतलब आई हैव नॉट बीन एबल टू व्यू ऑल योर कोर्सेस वेरी क्विकली। खैर, तो मैंने सिर्फ आपका एरीज ठीक से नहीं, मतलब 2-3 बार देखा है वो फर्स्ट जो है, और मेरे को ना थोड़ा कुछ सवाल है। ठीक है, इफ यू डोंट माइंड सर। पूछिए सर। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता सर। वो वैसे भी ना मैं मेरे को सर और मैम कहने का आया था, मैंने 12 साल शिप पे काम किया सर, तो वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता इंजीनियर। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं ना, आपके जिंदगी बचाने का जिम्मा 16 साल के बच्चे को दिया जाता है। बात तो सही है। खैर, तो मेरा एक बेसिक सवाल ये है कि आपने बताया मार्स इज आई साइट, हाँ जी सर, वेरस वीनस इज आईज, ठीक है ना, आपने वीडियो में बताया, तो डिफरेंस क्या है? मतलब क्या ये है कि वेनस जो है वो आंख दिखता कैसा, मतलब मीनिंग समझाता है, ठीक है? मैं बताया, मैंने बहुत सारे क्लूज दिए पर मैं पूरा नहीं बताया, आपने सिर्फ आईज और आई साइट देखे। मार्स जो है ना फोकस है लाइफ का, नंबर वन आपके चार्ट में जहां पर भी नंबर वन है वो आपका फोकस ऑफ द लाइफ बनेगा, दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी कि भाई मेरे को ना ये काम करना है। कैंसर के लिए नंबर 10,000 में प्रोफेशन का एरीज का राशि है, तो उसके लिए फोकस क्या है, करियर है, ठीक है? मार्स फोकस है क्योंकि उसको टारगेट अचीव करना है, आर्मी कमांडर को, उसको गेट जॉब को पूरा कंप्लीट करना है। आप देखो कैंसर सेंडेंस को आप जॉब दे दीजिए, वो जब तक पूरा नहीं करेगा ना तब तक वो मानता नहीं है। आप टॉरस असेंडेंट्स को जब तक वो खर्चा ना कर ले अपने ऊपर दिन में, एक हफ्ता बिना खर्चा करे ऊपर नहीं निकल जाए ना, अपने बालों का कलर चेंज करे बिना, कोई नया फेस पैक लिए बिना, तब तक ना उसको शांति नहीं पड़ती, उसको लगता है प्रायोरिटी है, मतलब ये करना है आज, ठीक है? उसको प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ है, 12th हाउस मैटर्स। तो जब आप ये वो सिर्फ वो आईसाइट नहीं है, वो फोकस ऑफ द लाइफ है। हम लोग आपको आंखों का जरूरत किसके लिए है, चीजों को देखने के लिए कि मेरे को ये देखना है किसी भी तरीके से, ये कंप्लीट करना, ये टारगेट्स हैं, ठीक है? शुक्र क्या है, देखने का तरीका है। अब देखने का तरीका मतलब देखने की जो बोलते हैं कि खूबसूरती जो होती है ना देखने वाले की आंखों में होती है, क्योंकि वो शुक्र है, तो वो चाहता है, शुक्र चाहता है कि हर चीज ना सुंदर रखे, तो इसलिए शुक्र क्या करता है, नए पर्दे लेना है, बेडशीट्स लेना है, उसके लिए हर चीज प्रायोरिटी घर के अंदर का सामान है, उसका आसपास का एनवायरनमेंट है और रिसोर्सेज हैं, वो सब तरफ रिसोर्सेज जोड़ रहे हैं। आपके चार्ट में जहां पर भी टॉरस है आप वाला रिसोर्स जोड़ रहे हैं,
आप ऐसे तैयार कर रहे हैं कि ये ना अच्छा लगना चाहिए, ये गलत नहीं लगना चाहिए किसी को, यहाँ पर ये रिसोर्स है मेरा, ठीक है। और आपके चार्ट में सेकेंड हाउस के अंदर जो भी राशि जा रही है वो भी आपका रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में ये फर्क है। ये हाफ टेक्निक था जो मैंने पढ़ा दिया था, हाफ टेक्निक आज पढ़ा दिया। तो बेसिकली मार्स होता है द आईसाइट टू फोकस ऑन समथिंग, वेनस होता है कि द वे अ पर्सन सीज अ पर्टिकुलर थिंग। महेंद्र पता है क्या, जब तक एरीज नहीं आता ना टॉरस नहीं आ सकता, क्योंकि एरीज सर्वाइवल है। जब आपको कोई चीज मिलने लगती है ना रेगुलरली, आपके आपकी जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तब आप कोई और बात कर सकते हैं। जब आपका रोटी कपड़ा मकान पूरा हो गया तब आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई अध्यात्म नहीं होता, उसको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मेरे को रोटी कपड़ा मकान पूरा पहले पूरा करना, क्योंकि वो सर्वाइवल, आर्मी क्या करती है सर्वाइवल कंडीशंस में आती है। जब सब कुछ खराब हो जाए, सब कुछ फ्लैट कंडीशंस में हो जाए, तब बोलते हैं कि आर्मी बुला लीजिए, क्योंकि अभी सर्वाइवल का इशू है, ठीक है। इट्स अ कोल्ड रेड नाउ। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब आप कहते हैं कि सिटी डेवलप करना है हमने, क्योंकि सिटी को सधारना है संवारना है, तब आप कह सकते हैं कि अब शुक्र के ऊपर आ गए, हम रिसोर्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये वन और टू के बीच का डिफरेंस है। और जब ये सब हो जाता है तब आप कम्युनिकेशन चालू करते हैं नंबर थ्री में, उसके बाद फिर हार्मनी आता है नंबर फोर में, उसके बाद आप सोचते हैं कि मेरे को यश मिले नंबर पांच में, ठीक है। अब समझ में आया, नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट इट, थैंक यू। नाउ दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग, दैट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, गॉट इट, गॉट इट सर। सर और एक बेसिक सवाल है ये, सिंस आई एम नॉट फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड, ये सवाल आई हैव हैड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हां जी, सवाल ये है कि ये जो हाउस होता है, राशि होती है और प्लैनेट्स होते हैं, हां जी, इन तीनों को कंबाइन कैसे करते हैं। हाउस का मतलब समझ गया कि हाँ हाउस का कुछ सिग्निफिकेशन है और वो होना है, पर एक हाउस में वो जो सिग्निफिकेशन से किसी हाउस का वो राशि और प्लैनेट कंबाइन होता कैसा है। हाँ, वो कंबाइन होके ही प्रेडिक्शन आता है, क्योंकि क्या है कि अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टॉरस जो है 12th हाउस के अंदर एसी राशि है एरीज का, तो उसका प्रायोरिटी 12th हाउस है, 12th हाउस एक्सपेंसेस का है, ठीक है। राशि उसके अंदर एरीज का है, प्रायोरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस। अब सपोज करो वहां पर आप प्लैनेट डाल दीजिए, चलो वहां पर प्लैनेट डाल दो मून, तो मून इन 12th हाउस इन एरीज, तो अभी किसका एक्सपेंसेस का जो खर्च जो उसका वो है प्रायोरिटी है वो किन चीजों पे रहेगा, खाने की चीजों पे रहेगा, खाना लेना है सबसे पहले, क्योंकि मून खाने को सिग्निफाई करता है। एग्जैक्टली अच्छा, आई हैव नॉट गॉन टू मून सो स्टिल, अच्छा नहीं, पर इस तरीके से सिग्निफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अगर कोई कोई भी प्लांट, सॉरी सॉरी मैं कह रहा कोई भी प्लांट रहेगा किसी भी हाउस के अंदर, इसी तरीके से मिक्स करके प्रेडिक्शन बनेगा। और जब तक ये प्रेडिक्शन बनाना नहीं सीखोगे योग में मत जाइए। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई हाउस खाली रहे, कोई प्लैनेट है ही नहीं उसमें, ठीक है, तो कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, हमें प्लैनेट का जरूरत ही नहीं, उसमें दो चीजें तो है ऑलरेडी। अच्छा ओके, उन दोनों का प्रेडिक्शन तो बन सकता है ना, जैसे टॉरस और उसका बनाया था कि टॉरस एरीज का 12th हाउस में था, ठीक है ठीक है ठीक है सर, अभी के लिए इतना ही है, और दो सवाल है वो बाद में पूछेंगे, ठीक। सबको सबको ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मेरे को ना वो कुछ पढ़ाना भी आज आपको लाल किताब से। जोही जी पूछे। ओके, गुड इवनिंग सर। ओके, मेरा बस एक दो सवाल है। पहला है ये रिलेटेड टू जो सन था इन लिब्रा, तो वो मैंने एक चार्ट पे चेक किया था, मतलब मुझे क्योंकि बहुत सारे चार्ट अभी मिले नहीं उससे रिलेटेड, बट एक में मुझे मिला, तो उसमें क्या था, वो सन लियो एसेंडेंट था और उसमें सन एंड वीनस, क्योंकि थर्ड हाउस आया वहां पे वीनस था, तो आपने बताया था कि जहां पे भी वीनस जाएगा उससे रिलेटेड इवेंट्स होंगे, जब भी कोई गैदरिंग होगी। तो मैंने चार पांच इवेंट्स चेक किए जहां पे मुझे वो ट्रू दिखा, बट एक इवेंट ऐसा था जो कि इट वाज रिलेटेड कि फादर्स फैमिली, मतलब चाची से रिलेटेड इवेंट हुआ था, तो वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई कि मैं इससे कनेक्ट करूं, क्योंकि वो हुआ था जस्ट 3 days आफ्टर घर में कुछ फंक्शन हुए थे। तो ये तो 10th हाउस से हम देखेंगे फादर्स फैमिली, या अगर हम चाची देखेंगे तो या शायद 5th हाउस आएगा आई गेस, अगर मैं थर्ड से सिबलिंग वाइफ करूं। बताया तो मैं, आप थर्ड हाउस देख रही है ना। हाँ हाँ,
थर्ड नंबर साइन नंबर 3 11th हाउस में आ रहे हैं फादर के सिबलिंग्स में, वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं. ओके थर्ड हाउस जो 3 जाएगा वो भी एक्टिवेट होगा. हां जी भाई. ओके अच्छा ये एस्पेक्ट क्योंकि मैं वो सिर्फ वीनस से देख रही थी कि इट इज तभी मैंने बोला ना मैंने पूरा कभी नहीं सिखाता. राइट 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 क्योंकि सारे इवेंट मेरे मैच किए सिर्फ ये एक पॉइंट रह रहा था तो मैं एक्चुअली ऐसे सोच रही थी कि क्योंकि जो वीनस का साइन है वो 10th हाउस में आ रहा है. हाँ, तो मेरी बात सुनो आप हुँ. आप जब 10 चार्ट्स पे कर लोगे ना ये आपको ये टेक्निक ना फुल प्रूफ हो जाएगा. फुल प्रूफ बोले तो जैसे कि ना वो इसी कोर्स के अंदर मैंने एक जगह सिखाया है कि शादी वाले दिन क्या होता है. ओके वो फुल प्रूफ टेक्निक है क्योंकि मैंने वो कितनी बार कर चुका है. मतलब हजार बार मैं प्रेडिक्शंस कर चुका हूं उसके ऊपर तो मेरे को वो गलत नहीं आता. तो मैं अब सुनता नहीं हूँ सामने वाला बोलता क्या है. ओके ठीक है वो हैबिट आपका भी हो जाएगा आपको लगातार ना लेकिन प्रैक्टिस तो चलो. ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा ये फर्स्ट था. सेकंड केस है ये मैंने एक छोटा सा प्रेडिक्शन करने का ट्राई किया था. ये कैंसर असेंडेंट है और 8th हाउस में मार्स मर्करी सन है. तो वो जो आपने टेक्निक बताई थी ना कि जो जब वो मतलब हाँ नहीं 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 जो मदर्स मदर्स वाला जो स्कॉर्पियो में आपने बताया था कि जब मदर्स क्या सोच रही होती हैं उस ड्यूरेशन में. हाँ, अच्छा, तो वो 8th हाउस में वाले प्लैनेट्स आते हैं. तो मैंने इनको बताया था कि जब आप मतलब व्हेन यू वर अबाउट टू बॉर्न एंड ऑल तब आपकी जो मदर थी घर में कुछ पेपर्स मतलब प्रॉपर्टी पेपर रिलेटेड इश्यू हुए थे विथ रिलेटेड मतलब विथ सम घर के जो एल्डर मेल मेंबर होंगे उनके साथ. तो मैंने ऐसा कहा था. अभी चूंकि मैंने अभी एक्वेरियस तक नहीं पहुंची हूँ तो मैंने उसका सिग्निफिकेंस यूज नहीं कर पाई बट सिर्फ ये वाला पॉइंट पिक करके मैंने ये लाइन मैंने बताई थी एंड इट वॉज ट्रू. मतलब आई चेक शी सेड कि जब घर में कुछ फाइट चल रही थी प्रॉपर्टी पेपर इनको बनवाने पड़े थे उनकी मदर को और मतलब शी अगेन मतलब अलोन वो एक तरफ थी और बाकी पूरी फैमिली एक तरफ थी फादर्स की फैमिली एंड ऑल. तो ये हुआ था बट मैं यहाँ पे क्यूरियस यूज नहीं कर पाई क्योंकि अभी मैं वहां पहुंची नहीं हूँ. ठीक है कोई बात नहीं. पर लोगों ने ये नहीं पूछा कि जोई जी आपके सिद्धि विद्धि तो नहीं आ रही है. मेरा एक्चुअली जुपिटर केतु है 8th स्कॉर्पियो साइन में इन 11th हाउस. तो पता है क्या ये ना बहुत सारे लोगों को लगता था वो क्या नाम है कि पंडित जी बता देते थे कि इस वाले मंदिर में मन्नत मांगी होगी और यहाँ पे मन्नत मांगने की वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है ओके आप बता दो आप मतलब आप में से बहुत सारे लोग मेरे तो अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रेडिक्शंस करते हैं ऐसी क्योंकि आप साइन ऑफ सेजिटेरियस पे जब आप जाओगे तो यार टेक्निक मैंने सिखाया है कि देवता आपको कब यानी मन्नत जब मांग लेता है कोई तो कैसे बंदी बना दिया जाता है. ठीक है ओके बहुत सिंपल सा टेक्निक है पर आप देखो कि आपको जब ये बताने लग जाओगे ना तो बहुत दिनों में लोग मतलब वैसे भी बहुत लोग बोलते थे कि सर आपका कोई सिद्धि विद्धि है कोई सिद्धि. ठीक है सिर्फ और सिर्फ ना टेक्निक्स है ये टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करना चालू करो वो प्रेडिक्शंस गलत नहीं आते. अच्छा जस्ट वन मोर पॉइंट हियर कि एक केस था जिसमें जुपिटर रेट्रो था अलोंग विद राहु वन चार्ट. तो मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इनके ड्यूरिंग जब भी मतलब ये अबाउट टू बॉर्न एंड ऑल तो इनकी मदर में क्या कुछ तंत्र इशू होगा मतलब क्योंकि जुपिटर हाउस नंबर कौन सा था 8th हाउस में जुपिटर रेट्रो. हाँ ठीक है जुपिटर राहु अगर 8th हाउस में रहेगा ना और साइन स्कॉर्पियो नहीं साइन इज लियो. अच्छा ठीक है तो पूजा से रिलेटेड प्रॉब्लम है. ठीक है वो नहीं कहते जो पूजा स्किप कर देते हैं कि नहीं करनी है या फिर कोई ना कोई ऐसा जो गर्भदान इवेंट था उस ओके वो नहीं हुआ होगा. ओके ओके क्योंकि राहु था तो आई थॉट बड़ों की बेइज्जती करना जुपिटर आपके सीनियर्स है ना राइट तो उन लोगों की लगातार बेइज्जती जब करवाओगे तो जुपिटर राहु कनेक्शन मिल जाएगी. ओके ओके या थैंक यू सो मच. पर आप ना ये भी देख सकते हैं जुपिटर राहु 8th हाउस है अगर तो आप ऐसे लोगों का जब घर में किसी सीनियर फैमिली मेंबर का डेथ होता है फादर साइड में तो उस टाइम पे ना वो जो रिचुअल्स होते हैं ना वो भी पूरे नहीं होते. ब्राह्मण ब्राह्मण क्रिया पूरी नहीं होती है तर्पण की क्रिया पूरी नहीं होती. गंगा देख लेना इनके घर के अंदर ना लोग गंगा जल लेके नहीं गए होंगे गंगा में नहीं बाई गई हस्ती. आप पूछ ओके ठीक है ठीक है ठीक है आई चेक या या अच्छा बताओ क्यों का ऐसा नहीं चलेगा ना कि आधा टेक्निक सीख के आप चले जाओगे. मे बी एक तो जुपिटर आना भी था कि मून जो है 4th हाउस के अंदर हो तो लाल किताब ये कहती है कि आप ना दूध से रिलेटेड घी से रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस मत करिए. अच्छा ठीक है अब लाल किताब क्यों कह रही है ऐसा क्योंकि लाल किताब के जो ऑथर रहे होंगे
उन्होंने सोच लिया होगा यार इतना लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा ना, जितना कोडिंग में लिख देता हूँ बाकी सब लोगों को समझ में आ जाएगा, जिसको समझ में आना होगा और जिसको नहीं आना होगा उस वो लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर ये बोल देगा कि आप ना दूध दही घी जो है उसका व्यापार मत करिए बस। और आज की डेट में जो इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आज की डेट में मेरे ख्याल से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है दूध दही घी का व्यापार कर सके, ठीक है ना, बराबर हम में से किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो काम कर सके, आज की डेट में कोई प्रोफेशन भी नहीं है किसी का, ठीक है। तो आज की डेट में कैसे वो बोलना क्या चाहते थे लाल किताब के जो वो थे, वो ये कहना चाहते थे कि मून जो है ना, देखो मून ना आपके अंदर के जहर को कम करता है, क्योंकि मून ना अमृत बोला गया चंद मिल्क प्रोडक्ट्स को, जिसका फोर्थ हाउस का मून है ना उसको नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के दुख दर्द दूर करने का, जिसका कैंसर असेंडेंट है वो, जिसका कैंसर साइन फोर्थ हाउस में आ रहा है या कोई मून आ रहा है फोर्थ हाउस के अंदर, तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप ना लोगों के दुख दर्द खत्म करिए, आपके थ्रू लोग बहुत से लोग तरने वाले हैं, आपके बहुत से लोग हेल्प मांगने आने वाले हैं, आपका हैबिट है कि आप उनको सुकून प्रोवाइड करिए, आप उनको इससे अच्छे तरीके से बात करिए, ठीक है, आप उनको ऐसा कर दीजिए कि उन्हें सुकून से जी सके, सुकून है फोर्थ हाउस, आप सुकून बांटिए लेकिन ना उसका बिजनेस मत करिए। Okay. अब ये बात उन्होंने सुकून नहीं लिखा, उन्होंने कहा इसको मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो बोलते हैं कि फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट हो वो आप वैसे ही कर दीजिए, उसका बिजनेस मत करिए, नहीं तो आपका सुकून खत्म होने लगेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि आपने बिजनेस कर दिया ना अभी सुकून का, पर लेट्स सपोज करो किसी का सन है फोर्थ हाउस में, किसी का सैटर्न है फोर्थ हाउस में, अब जो भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में जा रहे हैं अगर आप उससे रिलेटेड बिजनेस करने लग जाते हो तो आपका ना जो सुकून है वो खत्म होने लगता है। बोलते हैं लाल किताब बोलते हैं सैटर्न फोर्थ हाउस में हो, ये बंदा जब भी किसी को वो करेगा ना हेल्प करेगा, खाना देगा, किसी भी तरीके की हेल्प करेगा, इसके ऊपर इल्जाम लगता है, झूठा इल्जाम। और अगर सन हो तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के मरता है। अच्छा क्यों बोला ये? अपने से 12th में गया, ठीक है, तो अपने डेथ के बाद ये छोड़ के जा रहा है, किसके लिए छोड़ के जा रहा है, बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट रहेगा, सूत्र ये कहता है कि आप उसका बिजनेस मत करिए, आपके बहुत से लोग आएंगे जो सुकून से नहीं है, जिनको बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप देखना कि उनका जो बिजनेस है ना फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से रिलेटेड हो गया है। वो आपको वेल्थ देगा, सुकून नहीं देगा, ठीक है। कवन क्वेश्चन क्या था वैसे आपका? हाँ क्वेश्चन ये था कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी एक रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज स्कॉर्पियो असेंडेंट है and moon is in 7th house and saturn is in 4th so now I just guess so abhi mother ko kya responsibility mila mother ka responsibility mila shani ko to shani kaisa teacher hai shani kaisa planet hai malefic planet hai hard working wala hai hard working ha aapko patience se sikhane wala hai to shani ko na mother ka role hai to mother kaisi rahengi saturn ki tarah rahengi bahut patience wali Okay. पर आपको ना हर चीज बहुत सोच समझ के देने वाली okay. हो सकता है करोड़पति फैमिली में जन्मे हो आप, आपको बचपन के ड्यूरिंग में आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसे का वैल्यू समझाने के लिए राइट right. ठीक है, तो ये मदर का वो है। अभी क्या है, मून कहाँ गया? 7th हाउस के अंदर गया। Moon is exalted, no? My question was, is the mother relationship with mother good because moon is in 7th and exalted or Saturn is in 1 house? And वो मैं समझ में नहीं आया। हमने 1 house देखा नहीं ना, मैंने sign use ही नहीं करा। बराबर है ना? Right. मैंने दिखाया कि कोई भी जो lecture number 14-15 है ना, उसके अंदर मैंने बताया कि जो उनके natural कारक है कि कोई planet ब्राह्मण क्यों है, कोई planet शूद्र क्यों है, और वो किस तरीके से अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो उनका ना कोई भी दिशा के अंदर प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता कभी भी, उसके आप ना आप उपाय करते हैं ताकि आप ग्रह को बदल सकें, और ग्रह का काम है आपको बदलना, ठीक है। तो कोई भी ग्रह ना आपको बदलने के लिए आता है, अगर आप बदल जाओगे ना उसके तरीके से, उसके उसमें ढल जाओगे तो ग्रह तंग नहीं करेगा, उपाय का जरूरत नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो ये 14th और 15th लेक्चर के अंदर मैंने सिखाया है इसको, क्वालिटीज ऑफ द साइन में. ये बोल रही थी अभी किसी लेक्चर में, किसी ने पूछा कि अगर स्कॉर्पियो एसेंडेंट है और मून अगर सेकंड हाउस में है तो उनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट शादी के लिए होता है कि वो तो उसको रोकते हैं, तो ऐसे मेरे किसी परिचित में है तो उनकी वो जो मदर है उन्होंने ही उनको रोका हुआ है मतलब ये शादी में आगे बढ़ने से या अपने ससुराल वगैरह में जाने से. और वो सैटर्न के साथ में सर सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो. नहीं नहीं आप समझे नहीं, उन्होंने बोला सेकंड हाउस इन सेंस वो सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ था. ओके, सेवेंथ हाउस के अंदर टॉरस का साइन आएगा, वहां पे मून था तो वहां के लिए वो बाधक था. वो सेवेंथ हाउस में बैठा था इसलिए वहां पे वो प्रोटेक्शन दिया गया. सेकंड हाउस में साइन ऑफ सैजिटेरियस आ जाएगा ना. मैंने सर इसलिए बोला ये वाला कॉम्बिनेशन कि सैजिटेरियस साइन है पर उसको सैजिटेरियस में बैठा सर सैटर्न प्लस मून, और जो सैटर्न है वो फोर्थ लॉर्ड भी हो गया ना, 11th वहां पे नंबर आता है फोर्थ में तो कुछ कनेक्शन बैठे. अच्छा अभी पहले नहीं नहीं पहले प्रेडिक्शन करो कि सैटर्न मून सेकंड सेकंड हाउस सैजिटेरियस में क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं सर. सैजिटेरियस के क्या दे रहा है, सैजिटेरियस सेकंड हाउस के अंदर किस चीज का रिसोर्स है सर. मैं सैजिटेरियस तक अभी गया नहीं हूं मैंने. अच्छा ठीक है, पढ़ लो. पर कपिल पता है क्या साइन ऑफ सैजिटेरियस अनिल जी अगर आपने भी देखा हो दो बार. हां जी दो बार देखा आपने. नहीं नहीं डुअल साइन जुपिटर का साइन है किसी को नॉलेज देने के लिए, फायरी साइन है ठीक है, धर्म का ध्वज वो करने के लिए. वहां पे सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है. सैटर्न मून का जो कॉम्बिनेशन बताएगा कि जो क्लासिकल कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि पिछले जन्म में जो लोग चोरी करते हैं ना खाने का उनको ये कॉम्बिनेशन इस जन्म में मिल जाता है. पर सैटर्न मून जो है सैजिटेरियस के साइन में खाना नहीं बना रहा, क्योंकि सैटर्न चोरी है मून खाना है, पर सैजिटेरियस के साइन के अंदर वो क्या बना रहा है, वो विद्या बना रहा है. गुरु का साइन है तो गुरु से जो लोग चोरी करते हैं किसी भी तरीके की विद्या चोरी कर ली, किसी से वो ग्रहण कर लिया, आप पूछ लो उससे ट्यूशन के पैसे नहीं देना, कॉलेज के अंदर पैसे नहीं देना, कॉलेज के अंदर खाने के पैसे नहीं देना ठीक है. सेकेंड हाउस है खाने के पैसे है ठीक है, वो पैसे नहीं देना उसके ऐसे अभी ये ला प्रॉब्लम इस लाइफ के अंदर पैटर्न देखेंगे आपको, तो पैटर्न पकड़ने के लिए ना छोटा छोटा प्रेडिक्शन करो, उसके जब पैटर्न समझ में आ जाए तब उसको ना देख तेरे को ना ये रेमेडी करने का है. हाँ जी नितिल जी पूछिए. नमस्ते सर, आई एम वेरी न्यू टू द कोर्स. अभी तक मैंने सिर्फ 3 लेक्चर सुने हैं सर, और आपने 3rd लेक्चर में एक्टिवेशन शुरू किया था कि ये इस एज में लाइक बुद्ध ने 29 इयर्स में 6 इयर्स के लिए ऐसा, पर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में एक्टिवेशन इयर्स नहीं बताया. हाँ, कोई तो बात नहीं, मैंने वो लास्ट लेक्चर में बताया. अच्छा आपने लास्ट में बताया सर. और एक बात थी कि सर आपने एक लेक्चर में बताया था पास्ट लाइफ के वो 8th हाउस में अदिति जी के लिए कि मर्क्यूरी वो मुर्दे पे चढ़ा हुआ फूल एंड वीनस उसके लिए वो चादर बनाता है. तो अगर सन है वहां पर मर्क्यूरी और सन अगर 8th स्कॉर्पियो साइन में तो सर वो क्या बनाएगा सर. मैं पढ़ाऊंगा मैम आपको 8th हाउस को भी. मैंने अच्छा, भी कंप्लीट नहीं करे, मैं लाल किताब ना धीरे धीरे करके सारी पढ़ा दूंगा जी. अच्छा ओके, सो दिस लेक्चर इज नॉट फिनिश्ड ऑन 14th लेसंस, यू विल कीप ऑन एडिंग इट. हां जी मैम. अच्छा और सर आज का जो आपका लेक्चर आपका जो क्वेश्चन आंसर है इट विल बी रिकॉर्डेड एंड विल बी देयर. हां जी मैम. कैन आई लिसन टू इट अगेन. हां आपके कोर्स के अंदर आज तक के जितने क्यूएज हुए हैं ना मैम वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है. Okay, sir, there is any free, like all the other question answers from the other, like first batch ke jo bhi question answers. Haan ji, wo sare hain. Achha, okay, sir. Okay, okay, fine, sir. Thank you so much, sir. I'm very happy to join your course, sir. And with the email also, which I sent you personally and you gave me peace, I'm very grateful to you. I just wanted to say that. Thank you so much, sir. Sir, a question, please. Haan ji. सर आपने जो ये मैंने कोर्स ज्वाइन किया है आपका वो जो रिकॉर्डिंग है मैंने वो ज्वाइन किया है, तो इसमें आप सिर्फ वही भेजेंगे या कुछ इसके इन एडिशन टू दैट जैसे आप ईमेटिंग करें इसकी रिकॉर्डिंग भी हमें भेजेंगे. सर ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपके आज तक जितने भी क्यूएनए हुए ना आपने
वो सारे वो क्यूए का जो हेडिंग है ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्यूए दिख जाएंगे. ओके ओके, जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लगना के नीचे क्यूए लिखा हो. हाँ एग्जैक्टली. और यही नहीं, आज के बाद एक साल तक जितने भी क्यूएज होंगे सारे आपके पास आएंगे. राइट सर, राइट. ठीक है, लाल किताब ना, बिकॉज लाल किताब मेरे को पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाने का, तो मैं लाल किताब ने इसी के अंदर ऐड कर दिया. अभी पे सवाल आया सर. हाँ जी सर, पूछिए. डोंट माइंड. सेम जो ये अभी सवाल पूछा उन्होंने कि जेमिनी वाले जो फोकस ऑन द मनी. आई हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस अबाउट द जेमिनी. एग्जॉर्टेड इन 11th हाउस अलोंग विद द वीनस एंड द मर्करी, मार्स एंड सैटर्न इन द 5th हाउस, जुपिटर इन द 9th हाउस. And this person don't have any focus on that. Highly qualified, very intelligent, but even then the age is 36 year old. But he is out of the job the last 7 to 8 years. अच्छा ठीक है सर. I couldn't find the Rahu place in the 12th house. I couldn't find the answer. Degree of the Mercury is 3 degree and the Sun is 25 degree. There is no combustion. And moreover, Dasha is of income, that is of a Mars. Okay. It's going on. But even then, up to 35 to 21. But even then, he is not earning anything. Sun Venus Mercury 11th house. Anji? Sun Venus Mercury 11th house, Saturn yeah. Mars 12th house, Rahu in the 12th. Rahu 12th, Ketu in 6th, Moon in 5th. No, the third. Moon in 3rd, is it? Yeah. Any other combination you are missing? No. Mars, Saturn. Saturn, Mars, 5th house. 5th house. And he is a highly qualified MBA, BACA inter. And he has done, he's a very good orator. Two big books also. Very good human being down to the earth. But even then, so I couldn't find the answer. What's a, what is lacking? And where is the Jupiter in the chart? In 7th house. तुम बात ही नहीं कर रहे ना. हम योग की तो बात ही नहीं कर रहे. मून ठीक है, अकेला है, कोई परेशानी नहीं, पर है तो लियो के अंदर साइन है, थर्ड हाउस के अंदर. उसका वेपन अभी थर्ड हाउस है, उसका चार्म्स उसके वो है, क्या बोलते हैं, उसका वेपन है. सन इज एग्जॉल्टेड, वीनस इज देयर इन द 11th हाउस. हां सर, ये चार्ट नहीं खुलेगा, पता है, ये चार्ट का जो मतलब केंद्र के अंदर अगर आप देखो सिर्फ एक प्लैनेट बैठा है, जुपिटर. ठीक है, आप जुपिटर खोल दो, पूरा चार्ट खुल जाएगा. How to open it? हाँ, सैजिटेरियस के लेक्चर के अंदर मैंने एक टेक्निक सिखाया था कि अगर जुपिटर बंद जाए तो पूरा चार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप देव बंधन में हैं और जिनका केंद्र में जुपिटर, क्योंकि टू डिवोर्सेस. हाँ, जुपिटर मेन वो है ना अभी, मेन जुपिटर मतलब वो बन गया अभी प्लान, क्योंकि केंद्र का अंदर अकेला जुपिटर से बाद तक. अब जुपिटर खोल दीजिए इस चार्ट के अंदर, जब भी जुपिटर खुल जाएगा इस चार्ट का किसी भी उससे जो इन्होंने मांगा हुआ है, जो जो हो रखा है इनके चार्ट में, लाइफ सॉल्व हो जाएगा. जैसे कि एक चार्ट के अंदर दो शादियां हुई, दोनों शादियां खराब, मतलब खराब इन द सेंस बहुत खराब, जिसके अंदर डिवोर्स के अंदर पैसे दिए जाते हैं और मार पिटाई होती है और ये सब. हेफ्टी मनी इज बेड. ठीक है, वो लगभग सिमिलर चार्ट था इसलिए मैंने वो पैटर्न देखा. ठीक है, वो पता है क्या है, ये जुपिटर का इशू है. जब आप हाउ टू ओपन द जुपिटर, हाँ मैं वही बता रहा है कि जब आप जुपिटर के से प्रॉमिस कर लेते ना किसी, जुपिटर ब्राह्मण है सर, वो पता है ब्राह्मण. हाँ, वो उसको ब्राह्मण सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि कर्मकांड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बिना युद्ध हारा जाता है, क्योंकि आपके पास एडवाइजर्स नहीं है अच्छे देने के लिए. एडवाइजर नहीं है. यस ठीक है, अब जो भी कोई एडवाइस आपको दे रहा है सामने वाला, क्योंकि 7th हाउस है, तो वो एडवाइस ऐसी दे रहा है कि वो आपकी समझ में आ नहीं रही है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर अभी देव बंधन है. आप क्या करिए, इनसे पूछिए कि जब जुपिटर का टाइमिंग करके विमछोत्री से या योगिनी से या कालचक्र से जो भी आप यूज करें, जब कभी 7th हाउस एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि इसको जुपिटर मिला है ना 7th हाउस में, पर उसका पैदा एट प्रेजेंट जुपिटर ट्रांजिटिंग इन द 7th हाउस.
इसके पैदा होने से पहले का इवेंट है। या ठीक है, भला हम कैसे तरीके से देखते हैं नवांश नक्षत्र पड़ास के अंदर, पैदा होने से पहले का इवेंट है, तभी ये जुपिटर सेवंथ हाउस में आया है, नहीं तो नहीं मिल सकता ना जुपिटर सातवें हाउस घर का। ओके ओके, अब इसके अंदर कौन सा पड़ा मिल रहा है वो भी इसके पैदा होने से पहले डिसाइडेड है। इसके इनके पैदा होने से पहले सेवंथ हाउस से रिलेटेड ये इवेंट हो चुका है, उसका सिर्फ रिपीटिव पैटर्न हो रहा है इनकी लाइफ के अंदर। हो सकता है वो 1850 का हो सकता है वो 1945 में हो, हमें क्या करना है, हमें वहां से प्रेडिक्शन करते हुए चलना है। Okay. वही प्रेडिक्शन हमें इस वाली लाइफ के अंदर लेके आना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब पास्ट लाइफ के प्रेडिक्शंस कर रहे होंगे ना 1800 के 1900 के, घर में बड़े बुजुर्ग भी नहीं होंगे, वो कंफर्म नहीं कर पाते, ठीक है कोई बात नहीं मत करने दो, आप ना फिर वहां से चालू करो उसके पैदा होने के कुछ दिन पहले से, क्योंकि जिस दशा में ये पैदा हुआ है जिस नक्षत्र में, वो नक्षत्र भी ऐसे थोड़ी मिल गए। एग्जैक्टली राइट, वो नक्षत्र एक पर्टिकुलर रीजन है कि इसी नक्षत्र के अंदर पैदा होना पड़ेगा। But the issue this is this native don't do any remedy. मत करवाइए, हम कहते हैं remedy करवाने का जरूरत नहीं है सर, remedy आपने इसके लिए remedy कोई और करेगा ना, Jupiter 7th house का है, सामने वाला बंदा remedy करेगा इसके लिए। आप क्यों मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देखो ना, आप एक रीजन देखिए कि ये नेटिव अपना क्वेश्चन, इसका कोई क्वेश्चन कोई और पूछ रहा है बृहस्पति की एडवाइस दे दीजिए, और गुरु और फादर विल डू। हाँ, गुरु और फादर विल डू, ठीक है। पर ना इसका जो चार्ट है ना वो खुलेगा किस तरीके से, कि आप पहले प्रेडिक्शन करिए कि इसके चार्ट में बृहस्पति जो सेवेंथ हाउस के अंदर है वो किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। अभी सेवेंथ हाउस ना देखो, सेवेंथ हाउस के अंदर का एक कर्स है कि ना जब एज ऑफ 34 चलता है तो बहुत पैसा दिया जाता है, इसके हाथ से ऐसा पैसा जाएगा 15-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए जो भी इसके चार्ट का ताकत है, 50-60 लाख रुपए इसके हाथ से चला जाएगा, चला गया, ठीक है 34 के एज के अंदर जाएगा। क्यों 34 के अंदर इसके जाएगा, क्योंकि जुपिटर एक्टिवेट हो रहा है 33 के एज के अंदर, 33 का एज है, 33 के एज के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब इसका सेवंथ हाउस में तो वाइफ भी लेके जा रही है, इसका इसका कर्म ये था कि कितने डिग्री का जुपिटर है, जुपिटर 29 19 19, 33 साल 8 महीने बाद इसकी लाइफ में ना फादर आएंगे, गुरु आएंगे, कोई एक ऐसा इंसान आएगा ब्राह्मण के वेश में, ठीक है। वाकई क्या मांगेगा, खाना मांगेगा इंसान से, ये खाना चाहिए, गुड, ठीक है। प्रोफेशनल एरिया पे आएगा मांगने के लिए, ये इंसान देगा नहीं, ये अगर उसको पैसा दे देना तो इसको 33-34 लाख 50 लाख दिए ना इसने, ये नहीं देने पड़ते, क्योंकि ग्रह खुद आया था मांगने, ग्रह आते हैं मांगने अपने आप इस पर्टिकुलर एज के अंदर, ये अगर दे देते तो नहीं देना पड़ता, ठीक है। फादर से मांगने आएगा, ठीक है। अब वो नहीं आ रहा तो क्या होने आ रही है, वाइफ आ रही है, वाइफ कह रही है अच्छा आप वैसे नहीं देख रहा तो वैसे देगा, ठीक है। तो ये जो जुपिटर है ना इनके चार्ट का, आपने इनके चार्ट में मैथ 33 दे दिया, पर इसको रिवर्स में लेके जा सकते हो आप, आपने इनके फादर के जिनके पैदा होने से पहले कुछ दिन पहले, मतलब पैदा होने से 9 महीने पहले का जो दशा है ना जहां पे कंसीव हो रहा है इंसान, आप देखिए वहां पे जुपिटर प्रोमिनेंट है चार्ट के अंदर, और इसका जो चार्ट का दशा है ना वो अश्वोत्तरी दशा कैलकुलेट होगा, विषोत्तरी से नहीं होगा, क्योंकि दशा अश्वोत्तरी दशा, यस ओके, ठीक है। आप देख लीजिए जुपिटर प्रोमिनेंट निकलेगा 9 महीने पहले कंसीव होने के टाइम पे, उस टाइम पे भी कोई ना कोई मांगने आए मदर की फैमिली में, दिया नहीं गया, मदर अपनी फैमिली में होंगी उस टाइम पे और दिया नहीं गया,